पाकिस्तान ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से लेकर के कश्मीर पर अपनी गिद्ध दृष्टि गाड़े रखी। 1947 में उन्होंने हमला किया, ये कह करके कि हमलावर पाकिस्तानी सेना के लोग नहीं हैं, ये तो कबायली हैं। लगभग वैसी स्थिति आज कारगिल में है कि जिस प्रकार से हमला तो पाकिस्तान की सेना ने किया है, कारगिल की पहाड़ियों पर, चोटियों पर उन्होंने चोरी छुपे कब्जा किया है, लेकिन कहते हैं कि ये तो फ्रीडम फाइटर्स हैं कश्मीर के। और आज यह दिन डॉक्टर मुखर्जी के बलिदान का दिन है, और इसीलिए यह सोचा गया कि उपयुक्त तो होगा कि इस साल देश में इसको कश्मीर दिवस करके मनाया जाए, क्योंकि इन दिनों में कश्मीर की सुरक्षा के लिए लाखों लोग बहुत चिंतित हैं और देख रहे हैं कि किस प्रकार से वीर जवान अपने जीवन की आहुति दे करके उसकी रक्षा कर रहे हैं। शायद अब तक 250 से अधिक जवान वह बलिदान दे चुके हैं। एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैं जब इन बलिदानों की श्रृंखला को देखता हूं, जो बहुत लंबी श्रृंखला है, पिछले सालों में हजारों लोग बलिदान हुए हैं, लेकिन यह भी स्मरण आता है कि सबसे पहला स्वतंत्र भारत में कश्मीर के लिए कोई बलिदानी था तो वह थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। 6 जुलाई 1901 कलकत्ता, बंगाल के सुप्रसिद्ध समाजसेवी, न्यायविद और शिक्षा शास्त्री सर आशुतोष मुखर्जी के घर एक तेजोमय बालक का जन्म हुआ। नाम रखा गया श्यामा प्रसाद। इनकी मां का नाम था योग माया। इनके पिता आशुतोष बाबू बंगाल विश्वविद्यालय के उपकुलपति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और प्रखर गणितज्ञ थे। पिता की राष्ट्रभक्ति और निर्भीकता के गुण श्यामा बाबू को विरासत में मिले। वे पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज थे। पिता के निजी पुस्तकालय में विभिन्न विषयों पर 85,000 श्रेष्ठ ग्रंथ थे जो उन्होंने पढ़ डाले। वे अत्यंत अध्ययनशील थे। उनके निवास स्थान में चारों ओर केवल पुस्तकें ही दिखाई देती थी, हजारों पुस्तकें थी। एक बार एक आगंतुक ने उनसे पूछा भी, डॉक्टर साहब आपके पास ड्राइंग रूम से लेकर बेडरूम तक सब जगह पुस्तकों का अंबार लगा हुआ है, हजारों पुस्तकें हैं, आपने इनमें से कितनी पढ़ी हैं? डॉक्टर मुखर्जी ने हंस के जवाब दिया था, इनमें से एक भी पुस्तक ऐसी नहीं है जो मेरी पूरी पढ़ी हुई ना हो। बचपन से ही श्यामा बाबू दूसरों की मदद करने में सदा आगे रहते। तुम श्यामा प्रसाद हो, सर आशुतोष मुखर्जी के बेटे। जी। बोलो बेटा, मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? मेरा एक सहपाठी है समर, वो मैट्रिक की परीक्षा में नहीं बैठ सकता, उसके पास फीस देने के लिए पैसे नहीं। कोई फीस दिए बिना मैट्रिक की परीक्षा में कैसे बैठ सकता है? पर वो गरीब है। देश के सारे गरीबों को मुफ्त में तो नहीं पढ़ाया जा सकता। पर वो काबिल है, हमेशा फर्स्ट क्लास लाता है, प्रतिभाशाली है सर। देखो बेटा, हमारे यहाँ छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था नहीं है। सर शुरू तो की जा सकती है, इसके अभाव में एक काबिल और होनहार विद्यार्थी सिर्फ इसीलिए पीछे रह जाएगा क्योंकि वो गरीब है। तुम ठीक कहते हो, किंतु इसके लिए हमारी अंग्रेज सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की है। जब तक ज्ञान सब तक नहीं पहुंचेगा, देश का कल्याण कैसे होगा? तुम ठीक अपने पिता पर गए हो, पूरे बंगाल को नाज है तुम्हारे पिता पर। मैं कोशिश करूंगा कि स्कूल के किसी फंड से उस छात्र की फीस जमा की जा सके। सन 1921 में श्यामा बाबू ने बीए की परीक्षा पास की और पूरे विश्वविद्यालय में प्रथम आए। यहीं से 1923 में उन्होंने प्रथम श्रेणी में एमए किया और उसके बाद वकालत पढ़ने इंग्लैंड चले गए। अगले वर्षों में वे विश्वविद्यालय की उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष, आर्ट साइंस फैकल्टी के डीन तथा 33 वर्ष की अल्पायु में विश्वविद्यालय के उपकुलपति बन गए। इस तरह उन्होंने विश्व के सबसे कम उम्र के उपकुलपति होने का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। बहुत छोटी उम्र में 30-32 साल की उम्र में कलकत्ता जैसे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बन गए, लेकिन जो स्थिति देश की वो थी,
तो सिर्फ एकेडमिशियन रहना पर्याप्त नहीं था, तो पॉलिटिक्स में उतरे। डॉक्टर मुखर्जी एक अत्यंत विराट शिक्षा शास्त्री और राजनेता के व्यक्तित्व के रूप में हमें प्रेरणा देते हैं। कलकत्ता विश्वविद्यालय में जितना शैक्षणिक सुधार हुआ, उसका जो एक उच्च मानदंड स्थापित हुआ, वह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कार्यकाल में ही हुआ, जब वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के उपकुलपति बने। उन्होंने हजारों छात्रों को नई प्रेरणा दी। गरीब से गरीब छात्र भी बहुत सुविधा से, सहजता से डॉक्टर मुखर्जी के पास आते थे और वे उनके पास अपनी किसी भी समस्या को लेकर आए, डॉक्टर मुखर्जी उनका समाधान करते थे, अपनी ओर से छात्रवृत्तियां देते थे, विश्वविद्यालय से छात्रवृत्तियां दिलवाते थे, अपने मित्रों परिचितों से उन छात्रों की मदद करवाते थे। श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने शिक्षा के क्षेत्र में कई सुधार किए। श्यामा बाबू, पूरे देश में उत्साह है कि आप इतनी कम उम्र में, केवल 33 साल की उम्र में कलकत्ता यूनिवर्सिटी के उपकुलपति बन गए। जी हाँ, सुना है मोहनदास गांधी ने भी आपको बधाई का संदेश भेजा है। बधाई तो तब सफल होगा जब हमारे सारे देशवासी लोग पढ़ लिख जाएगा। आप विश्वविद्यालय में उर्दू, अरबी और तिब्बत भाषा के विभाग खोल रहे हैं, ऐसी चर्चा है। भाषा हमारा प्राण है, हमारा देश का हर भाषा आगे बढ़ना चाहिए, पर देश चलाने के लिए एक भाषा होना बहुत जरूरी है। पंडित मालवीय जी ने सही कहा है, हिंदी हम सबको सीखना है। डॉक्टर सीवी रमन, डॉक्टर भट्टाचार्य और डॉक्टर राधाकृष्णन की तरह सुना है आप देश भर के विद्वानों को कलकत्ता विश्वविद्यालय में बुला रहे हैं। बिल्कुल, मैं चाहता हूँ हमारे विश्वविद्यालय दुनिया भर के विश्वविद्यालय से कम ना हो। किसी हिंदुस्तानी को पढ़ने के लिए मोहताज ना होना पड़े, कोई भी लायक स्टूडेंट बगैर पढ़े ना रहे। दुनिया भर के साथ हम कदम से कदम मिलाकर चले, हमारा देश फिर से दुनिया भर का गुरु बन जाए। सन 1938 में कलकत्ता विश्वविद्यालय ने श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी को डी लिट की मानद उपाधि से विभूषित किया और बनारस विश्वविद्यालय ने एलएलडी की उपाधि से। सन 1922 में श्यामा बाबू का विवाह सुधा देवी से हुआ। उनके दो पुत्र और दो पुत्रियां हुए। दुर्भाग्य से उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत अल्प रहा। सन 1933 में उनकी पत्नी का देहांत हो गया। लाख दबावों के बाद भी श्यामा बाबू ने पुनः विवाह नहीं किया और अपना पूरा जीवन देश सेवा के लिए समर्पित कर दिया। ১৯৩৭ में बंगाल में चुनाव हुए, उसमें वे चुन लिए गए, पर मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक नीतियों के खिलाफ उन्होंने मुहिम शुरू की और 1941 में फजलुल हक की प्रोग्रेसिव कोलिशन मिनिस्ट्री में वे वित्त मंत्री बने। ১৯৪২ में मिदनापुर में भयंकर तूफान से भारी तबाही हुई, पर सरकार ने पीड़ितों की मदद करना तो दूर, लोगों के आने जाने पर भी रोक लगा दी ताकि बाहर से कोई मदद ना पहुंच सके। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि मिदनापुर जिले के लोगों ने देश की आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। अंग्रेजी सरकार का ये व्यवहार देखकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने प्रतिबंध तोड़ने का निश्चय किया, पर उन्हें मंत्री होने के बावजूद गिरफ्तार कर लिया गया। 17 नवंबर 1942 को उन्होंने इस्तीफा दे दिया और जनता की सेवा में जुट गए। उन्होंने फजल हक के साथ मिलकर बंगाल काउंसिल में मुस्लिम लीग को हराया और एक नई गवर्नमेंट आई जिसके फजल हक चीफ मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर थे, और डॉक्टर मुखर्जी नंबर टू थे और फाइनेंस मिनिस्टर थे। इस प्रकार 1939 में वो एक्टिव पॉलिटिक्स में आए और फाइनेंस मिनिस्टर बने बंगाल के। जब अभी वो गवर्नमेंट चल रहे थे तो ये 42 का सारा आ गया, सब लोग अरेस्ट हो गए। तब उन्होंने एज ए प्रोटेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से रिज़ाइन कर दिया और 3-4 साल तक, जब तक गांधी जी जेल में रहे, नेहरू जी, पटेल जी जेल में रहे और एक वैक्यूम था, उस समय नेशनलिस्ट इंडिया के स्पोक्समैन के रूप में, प्रवक्ता के रूप में उन्होंने देश के अंदर देश का नेतृत्व किया। और वो नेतृत्व इतना प्रभावी था, जो उनका लेटर था लाल नेथुओ के नाम, जो लेटर था बंगाल गवर्नमेंट के नाम गांधी जी के अरेस्ट के बाद 42 के बाद, वो हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट्स। उन्हीं दिनों वहाँ गवर्नमेंट ने की सह से जो कैद पड़ा, जिसमें लगभग 4 मिलियन बंगाली मारे गए, उसमें जो उन्होंने रिलीफ का काम किया, वो भी एक अपने आप में एक मिसाल है।
सन 1943 में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा, जिसे इतिहास में बंगाल का काल के नाम से जाना जाता है। 35 लाख लोग भूख प्यास से तड़प तड़प कर मर गए, पर सरकार मौत का तांडव देखती रही और अपनी अकर्मण्यता छिपाने के लिए अकाल की विभीषिका के समाचार अखबारों में छापने पर रोक लगा दी। इसी समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने महाबोधि सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन और मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी की मदद से सारे देश में घूम घूम कर अन्न और धन एकत्रित किया। ऐसी अकाल पहले कभी नहीं देखा। हाँ सुना है, काला बाजार करने वालों को अंग्रेजों ने आधा अनाज दे दिया और आधा पानी में डुबो दिया ताकि हिंदुस्तानी भूखे मर जाएं। लाखों लोग मर रहे हैं, अगर मुखर्जी बाबू ना होते तो आधा बंगाल भूखों मर जाता। मुझे मुखर्जी मुशायर से मिलना है। देखिए बहुत दिनों से उन्हें नींद नसीब नहीं हुई, वो आराम कर रहे हैं, आप जरा बात में। कौन आरती? ज्यादा देर तो नहीं, बड़े काम बाकी है। माफ कीजिए, मेरी गलती से आपकी नींद टूटी। नहीं नहीं कोई बात नहीं, कहिए क्या बात है। जी मैं बानागंज का रहने वाला एक अदना सा मौलवी हूँ। वही के ना जहाँ शायर नजरुल इस्लाम रहते हैं। जी जनाब, आपकी स्कॉलरशिप से उन्हें बहुत मदद मिली है, हम दरअसल इसीलिए आपका शुक्रिया अदा करने आए हैं। आप सचमुच खुदा के बंदे हैं, आपने बगैर किसी भेदभाव के हजारों मुसलमानों को भूखे मरने से बचाया है। पिछले साल आए भयानक तूफान में भी और इस साल अकाल में भी। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, बचाने वाला तो ऊपर वाला है भगवान। जब कांग्रेस के नेताओं ने देश का विभाजन स्वीकार किया, तब सारा पंजाब, सारा बंगाल, असम, सिंध और पश्चिमी सीमांत प्रदेश पाकिस्तान को देने का विचार किया। ये देख डॉक्टर मुखर्जी तुरंत गांधी जी के पास सीतपुर पहुंचे। जगह जगह इसके खिलाफ जागृति की लहर पैदा की। डॉक्टर मुखर्जी के अथक प्रयासों का ही परिणाम था कि आधा पंजाब, आधा बंगाल और पूरा असम पाकिस्तान के हाथों में जाने से बच गया। जब 1947 में देश का विभाजन हुआ और पश्चिम बंगाल डॉक्टर मुखर्जी के ही सतत प्रयासों के कारण भारत में बचा रहा, अन्यथा बंगाल ही नहीं बल्कि पंजाब भी पूरा का पूरा पाकिस्तान में जाने की स्थिति पैदा हो गई थी। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। आजादी के साथ साथ बर्बरता का तांडव भी शुरू हुआ। लाखों देशवासी के खून से सिंच गई आजादी की कोंपने। डॉक्टर मुखर्जी घूम घूम कर दिलों में भरी इस घृणा की आग को मिटाने का प्रयास करते रहे। ये उनके ही प्रयासों का फल था कि पूर्व पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की लपटें फैलने से बच गईं। गांधी के अनुरोध पर राष्ट्र के पहले मंत्रिमंडल में उन्हें वाणिज्य और उद्योग मंत्री बनाया गया। 2.5 वर्ष के अपने कार्यकाल में उन्होंने बंगलौर के हवाई जहाज, विशाखापट्टनम के पानी के जहाज और चित्तरंजन के रेल इंजन के कारखानों की स्थापना की। डॉक्टर मुखर्जी को बनाया उद्योग मंत्री और कॉमर्स मंत्री। इस नाते उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। हिंदुस्तान की जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, औद्योगिक जो प्रगति है, उसका आधार डॉक्टर मुखर्जी ने तय किया एज द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री ऑफ द फ्री इंडिया। सन 1950 में जब पूर्व पाकिस्तान में पुनः अल्पसंख्यकों को खदेड़ने व प्रताड़ित करने की मुहिम चली, तब केंद्रीय सरकार की उदासीनता के विरोध में डॉक्टर मुखर्जी ने इस्तीफा दे दिया और जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल के अनुरोध के बावजूद नेहरू मंत्रिमंडल में पुनः शामिल नहीं हुए। जनरल कनिंगम ने सांची के स्तूपों से पवित्र अवशेष इंग्लैंड भेज दिए थे। आजादी के बाद ये अवशेष भारत को लौटाए गए। श्यामा प्रसाद जी ने इन पवित्र अवशेषों के साथ बर्मा, कंबोडिया, वियतनाम इत्यादि देशों की यात्रा की। सरकार से निकलने के बाद भारतीय जनसंघ नाम से नई राष्ट्रवादी पार्टी बनाने की घोषणा कर दी। थोड़ी
थोड़े ही समय में उनकी अद्भुत नेतृत्व क्षमता से जनसंघ राष्ट्रीय राजनैतिक दल बन गया और विरोधी पक्ष में उनके प्रखर व्यक्तित्व की झलक इस प्रजातंत्र को मिली। डॉक्टर मुखर्जी संविधान सभा के सदस्य थे और बाद में जब पहली लोकसभा बनी तो उस पहली लोकसभा के सदस्य थे। कुछ समय वे मंत्रिमंडल के सदस्य थे, फिर वे मंत्रिमंडल से बाहर निकल करके त्यागपत्र दे करके उन्होंने जनसंघ की स्थापना की और जनसंघ के एक प्रवक्ता के नाते, चाहे उनकी पार्टी की सदस्य संख्या केवल 4 थी लेकिन मैं पत्रकार के नाते जानता हूं कि उस समय डॉक्टर मुखर्जी बोलने वाले हैं तो सब गैलरीज खचाखच भर जाती थी। उनके भाषण को सुनने के लिए सब सांसद उपस्थित होते थे क्योंकि उनकी भाषण शैली अद्भुत थी, खास करके संसदीय भाषण की, तर्कसंगत और अति प्रभावी। कुछ लोग कहते थे कि संसद में अगर वक्ता हैं तो 2 हैं और दोनों मुखर्जी हैं और दोनों विपक्ष के हैं, एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक हिरेन मुखर्जी। हिरेन मुखर्जी मार्क्सवादी थे लेकिन दोनों की बहुत तारीफ थी और राष्ट्रवाद में निष्ठा रखने वालों के लिए तो डॉक्टर मुखर्जी अद्भुत थे। और उनमें ये भी था कि कभी कभी, एक बार उन्होंने बोलते बोलते किसी ने कहा कि डॉक्टर साहब कश्मीर के बारे में बोल रहे थे, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब सत्य का सामना करिए, फेस द ट्रूथ। उन्होंने कहा सत्य का सामना कैसे करूं, तुम जैसे झूठे झूठे मंत्रियों का सामना कर रहा हो, मेरे सामने तो झूठ के झूठ बैठे हुए हैं। व्हेन आई एम फेसिंग दी बोगस ट्रेजरी बेंचेस हियर, हाउ कैन आई फेस द ट्रूथ। उन्हें लॉयन ऑफ पार्लियामेंट इसीलिए कहा गया क्योंकि उनकी बातों में तर्क होता था। वे सदैव इस बात के पक्षधर रहे कि विवादों का समाधान बातचीत के माध्यम से जितना अधिकतम संभव हो सके उतना होना चाहिए। उनके किसी भी तर्क का जवाब न पंडित नेहरू दे पाते थे न शेख अब्दुल्ला दे पाते थे। अंत में वे काफ़ी परेशान भी होते थे लेकिन डॉक्टर मुखर्जी अत्यंत संयत, शालीन और तर्कसंगत भाषा में उनको पत्र लिखकर इस बात का अंतिम समय तक आग्रह करते रहे कि वे देश के साथ कश्मीर की अखंडता के प्रश्न को हल्के ढंग से न ले। केंद्रीय सरकार के असामयिक निर्णयों से पुनः पूर्व पाकिस्तान से हिंदुओं का पलायन शुरू हो गया और उधर जम्मू कश्मीर में घुसपैठियों और तत्कालीन सरकार ने दमन का चक्र शुरू कर दिया। 6 महीने में 2,500 सत्याग्रही जेलों में ठूंस दिए गए। डॉक्टर साहब, उठो बेटी उठो। डॉक्टर साहब मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ। डॉक्टर साहब इस आंदोलन में मेरे ससुर जी का देहांत हो चुका है और मेरे पति भी बीमार है। ओह, तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय हुआ है। मैं जम्मू जा रहा हूँ, सब ठीक हो जाएगा। आपके जम्मू पहुँचने पर उनके आंदोलन को बल मिलेगा डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब आपने का जम्मू जाने का पक्का मन बना लिया? मन तो पक्का ही होता है पर हम अकेले किधर है? वाजपेयी है, वैद्य जी है और टेक चंद है और भी बहुत सारे बंधु है पर बिना परमिट के। हमारा दोस्त जवाहरलाल कहता है कश्मीर हमारा देश का अभिन्न अंग है, फिर भी हम कश्मीर बिना परमिट के नहीं जा सकते। क्या हमारे देश के लोग मूर्ख हैं? मन कहता है कि सरकार आपको बिना परमिट जाने के लिए यहाँ नहीं कश्मीर की धरती पर पकड़ेगी ताकि आप छूट ना सकें। वहाँ हमारी सरकार का रोल नहीं चलता, वहाँ हमारे सुप्रीम कोर्ट का कानून नहीं चलता। वाजपेयी, हमारा देश का रोल वहाँ होना चाहिए, यही हमारा मिशन है। मैं आज़ाद भारत का सिटीजन हूँ, भारत की पार्लियामेंट का मेंबर हूँ। कश्मीर हमारा है, हम कश्मीर के हैं। ये मेरा अधिकार है कि मैं वहाँ जाऊँ और ये देखूँ कि वहाँ क्या हो रहा है। ये मेरा ड्यूटी है, यही मेरा धर्म है। इसे मुझे करने से कोई नहीं रोक सकता, मौत भी नहीं। एक देश में 2 निशान, 2 प्रधान, 2 विधान, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। इसी धर्म को पूरा करने के लिए जब वे कश्मीर की सीमा पर बने रावी नदी के पुल को पार कर रहे थे और पुल पर पहुंचे ही थे कि पुलिस आ गई। डॉक्टर मुखर्जी को गिरफ्तार करके श्रीनगर लाया गया। 23 जून तक उनकी हालत लगातार बिगड़ती गई, तब उन्हें डॉक्टर अली की आज्ञा से हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया पर उनकी हालत बिगड़ती चली गई
और रात 2:30 बजे उनका देहांत हो गया। पंचभूतों से बना शरीर वापस पंच तत्वों में मिल गया। डॉक्टर मुखर्जी की मृत्यु का समाचार पाकर पूरा देश शोक में डूब गया। प्रजातंत्र के इस अद्वितीय प्रहरी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को ये देश सदैव याद रखेगा, सदैव उनका ऋणी रहेगा।